हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जय जगन्नाथ, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे तुराई और आलू के सब्जी। बहुत से लोगों को तुराई पसंद नहीं आता है, आज मैं न्यू तरीके से तुराई का सब्जी बनाऊंगी। आई होप आप सबको पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम उसके लिए बादाम को फ्राई करेंगे विदाउट ऑयल ही। फ्राई करके उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अभी इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के टाइम इसमें 4-5 लहसुन डालेंगे। लहसुन का छिलका निकाल के ही इसमें डालेंगे। अभी इसमें 2 चम्मच जीरा डालेंगे, फिर ग्रीन चिली डालेंगे। यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली यूज किया है, आप चाहे तो रेड चिली भी यूज कर सकते हैं। अभी इसको ग्राइंड कर लेंगे विदाउट पानी, इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से ग्राइंड हो जाएगा। पहले से ही पानी डालने से ये अच्छे से स्मूथ नहीं होता है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से ग्राइंड हो जाएगा, एकदम स्मूथ सा ही पेस्ट बन जाएगा। ऑयल अभी गर्म हो चुका है। इसमें सूखी मिर्च डालेंगे 2, थोड़ा सा जीरा डालेंगे। अभी इसमें कटे हुए ऑनियन डालेंगे। ऑनियन को गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। 1 स्पून टर्मरिक पाउडर डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें अभी जो बादाम को हमने ग्राइंड किया था उसको डालेंगे। तुराई को बादाम डाल के बनाने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और जो भी लोगों को पसंद नहीं आता तुराई, उनको भी पसंद आने लगेगा। ये देखिए अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बादाम तो यहाँ पर डाल लिया है, फिर अभी 1 स्पून चिली पाउडर डालेंगे। इसको अभी अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फिर अभी इसमें जो सब्जी कट करके रखा था तुराई और आलू, उसको डाल लेंगे। डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसमें अभी थोड़ा सा हम नमक डाल लेंगे। तुराई से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, इसीलिए अभी हम थोड़ा सा ही पानी डालेंगे इसमें, बस एकदम थोड़ा सा ही डाल के इसको अभी कवर कर लेंगे। कवर करके मीडियम फ्लेम में 10-15 मिनट कुक करेंगे, और इसको बीच बीच में खोल के देखेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। फिर से अभी इसको ढक के फिर से 10-15 मिनट के लिए कुक करेंगे, जब तक तुराई और आलू अच्छे से कुक ना हो जाए। ये देखिए पानी कैसे निकल आया है तुराई से। अभी हम इसको मीडियम फ्लेम में ढक के फिर से 5-10 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि पानी ड्राई हो जाए। ये देखिए पानी कैसे ड्राई हो गया है। तुराई की सब्जी रेडी हो गया है, अभी हम इसको सर्व करेंगे। आप अपने घर में इसको जरूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसे बना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू।